हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट की वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड जो आपकी कंसल्टेंट की वैकेंसी निकली है, इसके बारे में आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा। एक एक करके आपकी जो नोटिफिकेशन है आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में निकला है, उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम देखिए इसके नोटिफिकेशन पे है, जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में निकला है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं 17/23 के आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, यहाँ पे आपका जूनियर वोकेशनल की कंसल्टेंट की यहाँ पे 240 पोस्ट है, आपकी 35,000 सैलरी रही। कंसल्टेंट टेक्नीशियन सपोर्ट की आपकी 45,000 सैलरी। आपका कंसल्टेंट आईटी सपोर्टर की 30 वैकेंसी है, 45 सैलरी रहेगी 1000। यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट 31/7/2021 तक लास्ट डेट है इसकी आवेदन करने की। तो सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उधर चलते हैं। तो फ्रेंड, यह है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है उसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की मैं जानकारी दूंगा। तो ये आपके नोटिफिकेशन की जानकारी थी जो कि हमारे निकली थी आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में। इसकी देखिए, आपके रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट जानकारी देने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड जानकारी या वीडियो मिलते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें लर्निंग टाइम को, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड जानकारी। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको रजिस्टर पे आपको क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए वेरीफाई ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड यहाँ पे देना, ये कैप्चा इसको यहाँ पे फिल करना और यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको ओटीपी होगा आपके मोबाइल पे सेंड या ईमेल आईडी पे सेंड किया हुआ होगा, उसको आपको यहाँ पे डालना है। मेरे मोबाइल पे आ चुका है तो मैं इसको यहाँ पे डाल। तो यहाँ पे आपको देखिए वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ओटीपी मेरा वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे हम जाएंगे हम। तो यहाँ पे आपको देखिए जो आपका नाम है कैपिटल लेटर में देना है, यहाँ पे मैंने ईशान नाम दे दिया। यहाँ पे अपना जेंडर चेंज करना है, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे बतानी है, ठीक है। यहाँ पे आपको फादर नेम, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, आपका शादीशुदा है या नहीं, उसके बाद चूज कैटेगरी करनी है, जनरल है, यहाँ पे दिव्यांग है यस या नो कर सकते हैं, नेशनलिटी के बारे में यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो बताना है, स्ट्रीट नंबर, एरिया कौन सा है, विलेज, सिटी, टाउन क्या है, पिन कोड नंबर, स्टेट यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप बता दें जो स्टेट से है, आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चुनना है, मैंने यहाँ पे चुन लिया है। यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फोटो है 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म एड क्वालिफिकेशन करना है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पे मैं हाई स्कूल का, यहाँ पे आपका टाइम आपका रेगुलर है, पार्ट टाइम है, यहाँ पे आपको बताना है। फॉर्मेट आपका ब्रांच मेजर डिग्री के बाद आपको बताना है, ठीक है, ये तो डिग्री के है, ठीक, यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे आपको देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको किस सन में पास किया, नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी का, आपका मीडियम क्या था, हिंदी तमिल, यहाँ पे आपका मार्क परसेंटेज क्या थे, CGPA या ऑप्टेन यहाँ पे क्या थे मार्क्स, मैक्सिमम मार्क, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको जानकारी मिली, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, नीचे आपका दिखाई देता जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए जो आपका जो मैं आपका ब्रांच है, जैसे मैंने 10th है तो यहाँ पे 10th में आपका क्या बताना है, मेजर क्या था आपको बताना है, मैथ था, इस तरीके से यहाँ पे बता सकते हैं आप, आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे सन आपको बताना। तो फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी है, आपका कंपनी का नाम, कब से लेकर कब तक काम किया, ऑफिस यहाँ पे आपका डेजिनेशन क्या था, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन बताना है, ठीक, यहाँ पे आपका आपका डिस्क्रिप्शन वर्क के बारे में, ऑफिस के लोकेशन बतानी है कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे डेजिनेशन के बाद में यहाँ पे ऑफिस के लोकेशन बताएं, यहाँ पे आपका क्या किस टाइप के था, गवर्नमेंट, PSU, ऑटोनोमस, आपके इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट था, यहाँ पे बता सकते हैं। जॉब टाइप का था, परमानेंट, टेम्प्रेरी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी मंथली पेमेंट कितनी थी, यहाँ पे इसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, ठीक, 10,000 यहाँ पे बता देता हूँ, कंपनी का नाम SCL में लिख देता हूँ, इस तरीके से कब से लेके कब तक काम किया, यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सारी डिटेल की, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। मैं नीचे लेके चलता हूँ, यहाँ पे आपको अपलोड एंड यहाँ पे इस पर क्लिक करना है आपके अकाउंट पे, यहाँ पे आपको मैंने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, ब्राउज यहाँ पे CV करना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप करेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे करने का, यहाँ पे आपको देखिए सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं 10th और 12th के, यहाँ पे 100 KB से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपलोड करूंगा, इसके बाद यहाँ पे मैं देखिए फिर से यहाँ पे अपलोड अपडेट एंड काउंट पर क्लिक कर दूंगा। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है, डैशबोर्ड पे आपकी डिटेल आ रही है, यहाँ पे आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका जैसे कंप्यूटर है प्रिंट, यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, यहाँ पे आपको देखिए CV मैंने अपलोड अप्लाई फॉर जॉब के लिए यहाँ पे कर दूंगा।
पोस्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं सीनियर कंसल्टेंट किस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आपका गिव टू डैशबोर्ड या लिस्ट योर जॉब पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई जॉब पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, जैसे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है यहाँ पे देखिए, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, जूनियर से ग्रेजुएट पे क्लिक कर देते हैं। GGT पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अप्लाई नाउ पे यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं, यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो, गो टू या डैशबोर्ड जॉब लिस्ट पे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं जो वैकेंसी है, यहाँ पे आप प्रोसीड टू पे यहाँ पे आपको आ रहा है, यहाँ पे जो वैकेंसी है इसके बारे में आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इस पर जाऊँगा, यहाँ पे प्रोसीड टू पे जाऊँगा, इस तरीके से हमारा जो पेमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपकी नेशनल इंस्टीट्यूशनल आपका मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो वैकेंसी थी उसके बारे में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज जरूर बताएं। ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड डेली अपडेट की हमारे चैनल से बने रहे, वीडियो देखने धन्यवाद।